गए पक गई मिठिया पागों में फिर जुड़े पड़ गए पक गई मिठिया अंडे लगा रहे ना, मैं देखता हूँ कि हमारे क्वैक क्वैक और चूजली जो है वो ये अंडे की जर्दी खाते हैं। इधर दिखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और अभी अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अपनी क्वैक क्वैक को और चूजली को खोलने लगा हूँ, और ये आगे बाहर। और अभी यार सुबह का टाइम है, तो देखो पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे। तो अभी अभी शाजिल भाई आए थे, तो अंडे लेके आए। अंडा फिर टूट गया, इसको ऐसे नहीं करना ना। ये देखो जो साफ है ना शाजिल, उनको धोने की जरूरत नहीं है, ओके, उनको इधर ही रख दो, ठीक है। जो गंदे हैं उनको ले जाओ, गंदे ही उठा। हाँ सर, गंदे उठाओ। नहीं मैं कह रहा था टोकरी में ले जाओ ना यार, वो फिर नीचे रखना पड़ेंगे आपको। रुक जाओ बस, चलो ऐसा कर दो। अच्छा यार, ये आपको लग रहा होगा ये शायद बीठे हैं, बीठे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गंदगी इसके ऊपर लगी हुई ना, आपको पता होगा कि मैंने अपने पिंजरों के अंदर ना रेत बिछाई हुई है, तो ये रेत चिपक जाती है। और ये देखें शाजिल भाई के काम, अंडा एक तोड़ मारा है। शाजिल तेरे हाथ जो है ना बहुत ही नाकस किस्म के हाथ हैं भाई। अब भाईजन इसको ना तोड़ देना, आपने आगे एक अंडा शहीद कर मारा। अल्लाह मालिक है, है ना, अल्लाह मालिक है, हर चीज़ अल्लाह पे डाल दिया करो, खुद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी चीज़ की। इनको देखो पीछे पीछे आ गए। हेलो मम्मा पीना, इसे मम्मा पीना, मम्मा मम्मा आए हैं। इतना बड़ा हो गया ये चूजली को चंडे मारे, ये चूजली को चंडे मारेगा आगे जाके, मुझे भी लगता है। चूजली क्वैक क्वैक, देखो पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे काके। नहा भी लिया करो। अबे नहा नहा के रह तो उसको, चूजली को नहला दे। चूजली इधर आ, चूजली गरम पानी या बॉयल हो जाएगा। हाँ इसके अंदर ना नहला, भी तत्ता हो जाएगा बेचारा। लें जी अंडे अच्छे इतना साफ हो गए, अब जरा उधर चलते हैं और ना इनको उधर टोकरी में रखते हैं ताकि थोड़े ड्राई हो जाए। ब्लैक पॉलिश था, नजर आ रहा होगा। हाँ ब्लैक पॉलिश का अंडा है, जर्दी के अंदर ब्लैक पॉलिश है। उसको भी अंदर रख दो शायद इन वालों को। अच्छा पहले मैं क्या करता था, अंडे जो थे ना रखता था कम से कम एक हफ्ते का बैच बनाता था, लेकिन अब जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंडे ख़राब होने के खदशे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 दिन के बाद जो होती ना हार। हाँ आपको चीज़ दिखानी है। क्या बंटी का पार्टनर आ गया? ओ सिल्वर पॉलिश निकला है, माशाल्लाह यार माशाल्लाह। अच्छा कल मैंने इसको खुद हाथ से निकाला था, मुझे तब पता नहीं चला कि सिल्वर पॉलिश। ये देख रहे हो गाइस, ये ब्लड सा गिरा हुआ है, ये इसको मैंने खुद अपने हाथ से इसका सी सेक्शन किया था, इसको इधर से निकाला था, इसके निकलने का ना बड़ा मसला हो रहा था, निकल नहीं पा रहा था। और काफ़ी सारी हमारी अब खेती आई है, और थैंक्स इस चीज़ का है क्योंकि हमने हैचरी को इस वाले रूम के अंदर शिफ्ट किया है। मैंने अपने रूम से इसको निकाल दिया और मैं इस वाले रूम में इसको ले आया, तो इस वजह से ना हमारी खेत काफ़ी अच्छी निकली है, हार्वेस्ट बहुत अच्छी निकली है। शायद सर पीछे करना एक मिनट, ज़रा गाइस को दिखाएं कितने चूज़े निकले हमारे पास। ये देखो पूरा ट्रे भरा हुआ है ऑलमोस्ट। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है यार कि हमारी खेत बहुत अच्छी निकल रही है। तो आप शाजिल भाई क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर डेट्स लिख रहे हैं, आज की डेट लिखेंगे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी, और ये हमारा देखो क्वैक क्वैक को देखो पीछे पीछे आ गए। ये अंडा खा ले तू, अंडा खा ले। अच्छा तो ये देखो इसके ऊपर 25/5 की आज डेट लिखी, आज 25 तारीख है, 25/5 की आज डेट लगाई है। और ये हैचरी के अंदर रहेंगे कम अज़ कम भी 21 दिन तक अंडे, लेकिन इस सारे फ्लॉक में से ना एटलीस्ट 30% जो स्टॉक होता है वो ख़राब हो जाता है शायद कैंडलिंग के बाद। तो तीसरे दिन जब हम कैंडलिंग करेंगे तो एटलीस्ट 30% जो इन अंडों का जो रेट है ना, ये अपना क्वैक क्वैक बाहर कर दो, स्नेक अंडा तोड़ दे, मैं पर्चा कटवा दूंगा कत्ल का। क्वैक क्वैक तेरे पे कत्ल का पर्चा हो जाना आज, तेरे पता है तू कत्ल करने को फिर रहा है। ये हमारा ना सीरियल किलर क्वैक क्वैक बना हुआ है, इसको चैन नहीं आता हमारे बगैर। क्या है तुझे, क्या चाहिए तुझे, हैं गंदे बच्चे। अच्छा इसको ना भूख लगी है। तो तीसरे दिन हम क्या करेंगे इसकी कैंडलिंग, 5वें दिन हम इसकी कैंडलिंग करेंगे और काफ़ी सारा फ्लॉक इसमें से कम हो जाएगा। और क्वैक क्वैक को देखो कितना वो क्यूरियस है कि हम कर क्या रहे हैं आज, क्या दंदिया काट रहा है तुझे। इसने मारे अंडे खराब कर देने हैं। टोकरी में डाल दी यार, ना कर टोकरी लेके जाता है, रुकना कहीं भी नहीं लेके जाएगा। लगे मतलब वो सहम गया, तुम उसको डरा रहे हो, फिरने दो उसको बेचारे को। देखो वो कितना क्यूट सा है, कुछ भी उसकी चोंच कितनी बड़ी है। हाँ चोंच इसकी बहुत बड़ी है, देखो कितनी बड़ी चोंच है। नहीं जी अब हम अंडे जो है ना वो अंदर लगाने लगे हैं।
जितनी देर शाजल भाई अंदर अंडे लगा रहे ना, मैं देखता हूँ कि हमारे क्वैक क्वैक और चूजली जो है वो ये अंडे की जर्दी खाते हैं। इधर आ इधर दिखा, ओए खा रहा है खा रहा है खा रहा है, जर्दी खा रहा है, चूजली भी खा रहा है। खाओ खाओ, इधर उधर उधर खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी खा लो जल्दी खा लो, वरना साशा ने सारी खा जानी है। जल्दी खाओ, हमने इनको आदमखोर बना दिया इनको। जर्दियाँ देखो कैसे खा रहे, चूजली को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, उसको देखो कैसे मजे ले लेके खा रहा है। आ जाओ इधर आओ, क्वैक क्वैक इधर आ, ये खा, इधर इधर हिले हिले। लगता है इनको ज़रा ना जायका पसंद नहीं आया, थोड़ा सा इन्होंने खाया फिर भाग पड़े हैं इधर से। लेकिन चूजली अभी मुझे लगता आएगा, चूजली खा ले, चूजली को पसंद आई है। चूजली तो भाई फुल शुरू हो गया डायनासोर का बच्चा, मज़े लेके खा रहे हैं। क्वैक 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 इधर आ, ये ले ये खा। बस लगता है इन्होंने इतनी खानी है। नहीं जी गाइस, आखिरी अंडा भी लग दिया है, और हमने इधर डेट भी लगानी होती है अंडों के ऊपर ट्रे के अंदर, ताकि हमें पता चले कि इस रो के अंदर कौन सी तारीख का अंडा पड़ा। तो ये पुरानी वाली डेट को हम मिटा देंगे और उसके ऊपर नई डेट लिख देंगे। लें जी अंडे लगा दिए, अब जरा इनको ना जल्दी जल्दी फीड दे देते हैं। और काफ़ी सारे गाइस मुझसे पूछ रहे थे यार फीड कौन सी देते हो ग्रोथ के लिए, तो ये 14 नंबर की फीड है, हमने पूरी बोरी लेके रखी हुई है, हमें पड़ी थी 7800 की, ये 50 किलो की बोरी है। ओके, ले जी इनको फीड दे दी है। मौसम भाई हाँ, पुदीना पड़ा, धनिया नहीं पड़ा, धनिया की जगह ना घर के बाहर ना घास लगा हुआ, दो गेस को देते हैं। कहाँ पे लगा हुआ है? इधर ये हाँ, ये तोड़ने हाँ, चलो तोड़ो, ग्रीन ग्रीन सा तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े कर देना इसके। पुदीना अंदर डाल दिया, धनिया भी हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और शाजिल भाई क्या कर रहे हैं, ये नीचे से काट दो जड़ें, इसकी जड़ें इसकी काट दो, बाकी इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। गाइस इसका खाना और पानी ले आओ, और देखो भागा 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 आया, भागा भागा आया, भागा भागा लपक रहा है, ये ले इधर डालो, पकड़ पकड़, खा। देख रहे हो इसके शौक, देखो इसको भाई, इसको शाही शहाना शौक है। और वो हमारा चूजली का गया शाजिल, वो देखो उसके काम देखो, अंडे खा रहा है, अंडे खा रहा है, तो सही है ना, खाने चाहिए। इधर है चूजली, चूजली इधर है, चूजली सुन ही नहीं रहा। मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आती, क्या आप अपने सारे परिंदों के फिल्टर वाला पानी क्यों देते अंदर से निकाल के बाहर? यार वो फिल्टर वाला इसलिए देता हूँ, ये देखो आ गया, भागा भागा आया, भागा भागा यार इसलिए देता हूँ क्योंकि जो फिल्टर का पानी होता है ना उसका टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। ये जो टूटी का पानी है ना, ये टैप वाटर का जो पानी है, इसका इशू ये है कि ये पीछे ऊपर टैंकी से आ रहा होता है तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर मैं फिल्टर का दे देता हूँ इनको। तो गाइज इन सब का काम हो गया, अब ज़रा यार इस अंडे को साफ़ करना, और साफ़ करने का एक ही तरीका है, साशा को बुलाते हैं और साशा को कहते हैं कि ये तुम खा लो। साशा साशा आ जाओ इधर 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 इधर, यम 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 यम, एग 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 खाओ, यम 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 यम। साशा को भी एग्स बड़े पसंद है, एग में से जो निकलते हैं साशा को वो भी बड़े पसंद है, इसका दिल नहीं करता बतख को पकड़ के ना खा जाए, इसने वो क्या कहते हैं उसने चबाना भी नहीं है, सबूता ही निकल लेना है इसने उसको। देखो ये होते हैं फायदे आपको डॉग्स रखने के, अंडे आपके जाया नहीं जाते, अंडे इसके पेट में जाएंगे और ये हेल्दी हो जाएगी, प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाएगी मारी चोनो पोपो चोनो पोपो। तुम क्या कर रहे हो मूसा भाई, आज एक और गाना हो जाए। यार तुमने मुझे पक्का ही मिरासी समझ लिया है, मैं टुकड़ियों वाला हूँ, खुदा का खौफ करो। नहीं कल की वीडियो के अंदर बहुत बंदों ने कहा मूसा भाई हर अब व्लॉग के अंदर एक गाना गाया करेंगे और मैं आपसे हर रोज गाना गिलवाया करूंगा। चलो यार एक ऐसा गाना सुनाता हूँ जो मेरे दिल के ना बहुत 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 करीब है, मगर कोशिश करो वो अपने इस वाले गिटार पे करो। यार ये वाला इसका एक्शन थोड़ा सा खराब है, इसका सही है। ओके तो गाइज ये मेरे ना दिल के बहुत करीब गाना है, मैं जब था ना फोर्थ या फिफ्थ क्लास में तो मूवी आई थी एक सनी देओल की, और उसकी फिल्म का ये गाना है, तो ये जरा सुनिएगा, बीच में से शुरू करूंगा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिट्टी आंबियां, ए छोटी सी जिंदड़ी ते राता लंबियां लंबियां के घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी के जिंदड़ी के घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी के जिंदड़ी। उड़ जा काले आकावां तेरे मुँह विच खंड पावां,
भेजा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। गाला किसका था? अंबियों का। अब तुम्हें अम खाने? आप खाने चले आओ। चलो तो लेडी से ले लेते हैं इधर। नहीं 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 नहीं, हाँ? आज आम हम बाग से ही तोड़ेंगे, गाना भी वही था। बागों से आम तोड़ना है? बागों से। पक गई हैं मीठी आंबियां? पक गई हैं मीठी आंबियां। चलो फिर बागों में चलते हैं आज। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना डेरा भी, और वहाँ पे अपने ही बाग से आम तोड़ेंगे, और मूसा भाई को मैं वहाँ पे आम नहीं खट्टी अंबिया खिलाता हूँ। मूसा भाई को यार। चलो यार झुलो, चलो आज चलते हैं। कुछ करे कुछ करे। तो यार हम जा रहे हैं BZU यूनिवर्सिटी के अंदर से। वजह इसकी क्या है इधर से जाने की, कि जो दूसरा रास्ता है ना वो हमें पड़ता है बहुत ज्यादा दूर। तो लो जनाब आ गई है वो जगह जिधर हमारा डेरा है, और यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज सिर्फ एक लगती है, यहाँ की हवा। और इधर भी बाग है, इधर भी बाग है, और आमों के बाग है हर जगह। इतना ये देखो गाइस, पूरी दुनिया में सबसे एक ही आम मशहूर है, वो मुल्तान का आम है। तो लो जनाब आ गए हम अपने डेरे के अंदर, अब खोलें दरवाजा और अंदर खड़े, गाड़ी को अंदर खड़ा करें। आओ मूसा भाई, ये हमारा डेरा है। आ जाओ मूसा भाई ऊपर ही। ये आ गए हम अब छत पे, और देखो हर तरफ आम ही आम, आम ही आम है इधर। ये लगे भी हुए हैं कुछ, सारा आम ही आम। मूसा भाई इधर से जंप मारो और ये वाला एक आम तो तोड़ो। है ना, मैं बहुत सुपरमैन हूँ। सुपरमैन सुपरमैन। तो ये जो दरख्त है ये अलीची का, और यहाँ तक ये ख़त्म नहीं होता, ये बिल्कुल वहाँ तक, ये जो है ना जगह यहाँ तक ये टोटल अपना ही है, ये हमने खुद नहीं बनवाया। वजह क्या थी कि पीछे यार दरख्त लगे हैं ऐसे कट जाते। नहीं जी गाइस, शाजिल भाई पहले ही कूद पड़े हैं, अब मैं ज़रा नीचे उतर रहा हूँ, जगह ना मुझे थोड़ी सी स्लिपरी लग रही है। तो अब हम तोड़ेंगे कच्ची अमियां। तो भाई क्या गाना आपने सही कहा था ना, क्या बागों में फिर जुड़े पड़ गए, पक गई है मिट्टियां। और ये पक्की नहीं है, कच्ची है ये, अभी कच्ची है यार। शादल तूने अभी चक्कर ही पड़वाया मुझे है। इसका तो अचार डलेगा, इसका ये आम हम खा नहीं सकते। और कितनी ज्यादा लगी हुई है यहाँ से ऊपर, कितने सारे आम है। अच्छा गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस आम is famous all over the world. पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है हमारा मुल्तान का आम, बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा जायका है इसका। और ये वाला जो दरख्त है ना, ये मुझे लगता है ये मेरे पड़दादे के जमाने का है, पड़ 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 पड़दादे के जमाने का। कितना बड़ा है, और आमों से परूता पे है। पंजाबी में परूते को कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं परूता पे, उर्दू में कहते हैं भरा हुआ। गाइस ये देखो ये क्या चीज़ है यार, ये बगला आई गैस। लेकिन यार शाजिल ये बगला कितना यूनिक किस्म का है ना, चूजली जैसा लग रहा है। कितना यूनिक किस्म का बगला है यार, वाइट कलर का मैंने देखा है। हाँ ये उड़ता होगा, उसको उड़ा। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया पूरा। गाइस वो देखें, छोड़ दे शाजिल छोड़ दे, बेचारा ना पानी पीने आया हुआ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो यार आमों की तरह मीठे हाथों से ना सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए शाजिल अल्लाह हाफिज़ बोलो। मुझे अभी सिर्फ आम नजर आ रहे हैं बस। ये जिंदगी का एक ही गौर है। ओके गाइज बाय बाय।